अगर आप फैसलाबाद में रहते हुए लाहौर जैसा चिकन तवा पीस खाना चाहते हैं तो आ जाएं फैसलाबाद गुलबर्ग रोड गोविंदपुरा अब्दुल्ला चटकारा पॉइंट पर, जहाँ पे साजिद भाई ने स्पेशल तवा चिकन पीस की धूम मचाई हुई है। तो ये इसको कैसे लगा रहे हैं, क्या क्या डाल रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साजिद भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा साजिद भाई, ये बताएं कि आपका ये जो स्पेशल चिकन तवा पीस है, आपके समनाबाद वाली ब्रांच में काफी कामयाब रहा, आपने ये अब्दुल्ला चटकारा के नाम से यहाँ पे लगाया, तो कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इधर भी जो खाता है उसको पसंद आता है। इधर से काफ़ी कस्टमर जाते थे इस्लामाबाद से और इधर से, इसलिए उनकी किस्मत में मैं इधर शॉप खोल ली। तो कैसे लगा रही हैं तवा पीस, क्या सीन चल रहा है, सब डिटेल से दिखाइए और बताइए कि ये क्या क्या है और क्या क्या रेट्स हैं। जी ये चेस्ट पीस दे रहे हैं 500 रुपये का और लेग 450 रुपये का, लाहौर से कम कीमत में, आरब चटकारा से कम कीमत में, ठीक है। उधर ये 650 रुपये इसका रेट है। तो ये काम आपने कहाँ से सीखा था? मैंने उधर से सीखा, आरिश चटकारा से। जी सर। तो लाहौर जाने की आपको जरूरत नहीं है, फैसलाबाद में आप यहाँ पे आए और अब्दुल्ला चटकारा पॉइंट पे ये चिकन तवा पीस जो कि स्पेशल आपके ये लगाया गया है, यहाँ पे आके आप एंजॉय कर सकते हैं। ये अपनी शॉप की ना टाइमिंग बता दीजिएगा। टाइमिंग 5 बजे से लेकर रात 2 बजे तक, शाम 5 से रात 2 बजे। जी सर ठीक है। तो उधर वाली शॉप पे सीटिंग का बहुत मसला था, इसलिए इधर अब जो फैमिली आती थी देख के चले जाती थी, इसलिए मैंने अच्छी सीटिंग के साथ इधर जो है ना सेटअप लगाया। ठीक है, तो सीटिंग का भी कोई इशू नहीं है? सीटिंग का भी इधर कोई इशू नहीं, पार्किंग का भी कोई इशू नहीं है, इधर काफी पार्किंग है। पार्किंग भी काफी है, ठीक है। तो चिकन तवा पीस कैसे लगा रहे हैं, क्या क्या डाल रहे हैं, हमें और हमारे व्यूअर्स को दिखाइए। जी तो चिकन तवा पीस लगाने के लिए सबसे पहले ये अपने पीस लिए है जी, हाथ में दिया इसको। जी इसको पहले हाथ में बारबेक्यू में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम ऊपर डालते हैं कश्मीर घी, ठीक है, ये कश्मीर। उसके बाद ये हमारी रेसिपी है दही मसाला, ठीक है। ठीक है, क्या क्या डाला हुआ है इस रेसिपी में? इसमें काफ़ी मसाला जाते हैं, सबसे महंगे और अच्छे वाले, ठीक है। और उसके बाद सबल मिर्च, धनिया पुदीना और लेमन का छिटा लगा के, तो ये स्पेशल जो है तड़का लग गया है हरी मिर्च का, नींबू का, और बड़ा मज़ा देने वाला है ये। जी सर इंशाल्लाह ताला जो भी कस्टमर आएगा उसका आना जाया नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह की अल्लाह पाक कस्टमर की भी इज्जत रखेगा और हमारी भी। बिल्कुल। तो ये कितने टाइम में तैयार हो जाएगा? ये मैक्सिमम 10-15 मिनट लेते हैं। ठीक है, 10 से 15 मिनट। हाँ जी। तो ये साथ में देख रहा हूँ इसमें एक ग्रेवी टाइप भी बन गई है। जी सर। ये इसी मसाले की है जो आपने तैयार किया हुआ है? जी सर। ये बहुत ही मजे की ग्रेवी होती है सर, जो एक दफा ट्राई करते हैं वो उन्हें चाट दिया जाता है। ठीक है, तो ये कट्स लगा रहे हैं ताकि अंदर से अच्छी तरीके से पक जाए। जी सर, इसको पूरा खोल के सर इसकी हड्डियों में भी मसाला रच जाता है, आप इसकी हड्डी को भी चूसेंगे और उसमें मसाले का जायका आएगा। इसके अलावा साजिद भाई क्या क्या होता है आपके पास? इसके अलावा बारबेक्यू होता है और ग्रिल फिश होती है, तवा फिश होती है, और फिश भी हमारी का वो म्यार है जो पूरे फैसलाबाद में नहीं मिलेगा, ठीक है। बगैर कंडे के काला रहू चैनमन दरियाई, कोई कांटा नहीं होगा? कोई कांटा नहीं होगा, बड़ी वाली कंघी निकाली है, छोटे से सिर्फ 3-4 कंडे होंगे। अच्छा, तो फिश का भी खाने में प्रॉब्लम नहीं होगी? फिश का भी मियार बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, और स्पेशल जिनका बारबेक्यू है ना वो ये केजी के हिसाब से दे रहे हैं। अब्दुल्ला चटकारा पॉइंट के ऊपर जो है हैवी सीन यहाँ पे चल रहा है, तवे पे ढेर सारे पीसेस लगाए हुए हैं, लोग आ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं सबको। तो तकरीबन तैयार है? जी सर बस 2 मिनट। जी थोड़ी देर में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जी सर। और आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे इसके जो धुएं उठ रहे हैं, इसके जो अरोमा आ रहा है वो बहुत ही मजे का है, और भाई बार बार इसे कड़से भी आ रहे हैं ताकि मसाला अंदर तक जो है चला जाए और पीस कहीं से भी कच्चा ना रहे, और कस्टमर आए तो कस्टमर को यहाँ पे बेहतरीन मियार प्रोवाइड किया जाए। और ख़ासतौर पर ये जो रेसिपी डाल देना यार, इसका एक क्या बात है, इसका क्या मज़े का यहाँ पे टेस्ट फील हो रहा है, क्योंकि अरोमा इसका इतना मज़े का आ रहा है जो कि इसके टेस्ट को यहाँ पर रियलाइज़ करवा रहा है। तो इसके साथ आप और क्या देते हैं खाने में, सर्विंग में साथ? सर चपाती रोटी होती है, सालन दही का रायता होता है, ठीक है, सैलेड भी होती है हमारे पास, ठीक है। तो रोटी जो है रुमाली रोटी, उसका रेट क्या है? रुमाली रोटी 20 रुपए की। 20 रुपए की है? जी सर। तो एक पीस के साथ कितनी रोटी खा लेते हैं कस्टमर्स? एक पीस के साथ खाने पर डिपेंड होता है, जो ये स्टूडेंट के लिए काफी बेनिफिट बनता है, एक पीस के साथ 4-5 बंदे भी रोटी खा सकते हैं। अच्छा, पीस बड़े वाला होता है, बड़ा पीस है। ये कितनी ग्राम में जो की इसकी चेस्ट पीस की और लेग पीस की? वो लेग पीस होता है वो 350 ग्राम का, जो चेस्ट पीस होता है वो 450-450 ग्राम का।
जी साजी भाई, ये रेडी है तवा पीस? जी सर रेडी। तो रुमाली रोटी के साथ ये फोल्ड करके भाई ने रेडी कर दी है, इसमें ये रेसिपी भी डालिएगा, मैं फोल्ड करता हूँ आपको। ये रेसिपी भाई तैयार किया गया तवे पे, और रेसिपी में ये मसाला भी बन गया ग्रेवी का, और सब्ज़ मिर्चों का जो छटा डाला मैंने उन्होंने, अब यकीन करें बहुत ही लेवल का, तो ये भी डाली है। तो ये वाला चिकन तवा पीस जो है बिल्कुल रेडी है रुमाली रोटी के साथ, ये आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने ये ट्राई करना है तो आ जाएं फैसलाबाद, गोविंदपुरा रोड, अब्दुल्ला चटकारा पॉइंट पे, और इनके इस तवा पीस को आप लास्ट में ट्राई करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें इसी उम्मीद के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे और अपने मेज़बान यासर सिद्दीकी को अपने गाँव में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।